नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज एक नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत 6 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी भूपेंद्र दयाल ने शुक्रवार को सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के प्रति कड़ी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत जिले में और रेरकला गांव के सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए पानीपत की पुलिस अधीक्षक को स्पेशल टीम बनाने का निर्देश दिया गया। उक्त सरपंच गांव के पंचायती फंड से 1.87 करोड़ का गबन कर फरार हो गया। पंचायती फंड में हेरा फेरी करने में ऐसे ही एक मामले में मेवात के पंचायती फंड में एक फर्जी कागजों के आधार पर 1.60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही उन्होंने बीडीओ और अमित कुमार को तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। साथ ही दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए गए। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में एक भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे ही तरीके से उत्तर नहीं देने के चलते पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी ऋषि डांगी को भी राकेश गुप्ता ने तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि गलती किसी बैठक में नोडल अधिकारी के नाते शामिल नहीं होंगे। उनके स्थान पर विभाग का HCS स्तर का अधिकारी कोई भी अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश जारी कर सकता है। इसी प्रकार से कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। कोरोना के चलते सीएम विंडो की बैठकें बहुत दिनों से रेगुलर नहीं हो पा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश इस मामले में बहुत ज्यादा साफ था कि कोरोना अब समाप्ति की ओर है और जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें जो कमियां रही हैं, जो शिकायत आई है निवारण, उसमें जो ढिलाई पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बारे में निर्देश है कि कोई भी ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी और जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को लेके अब फिर से समीक्षा बैठक कई महीनों बाद सीएम विंडो की गई। सभी विभागों की बारी बारी से बैठक ली गई, उसमें काफी सारे निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से लिए गए। सबसे पहले जो लापरवाही जो पाई गई उसके चलते हुए एक तो नायब तहसीलदार और वीडियोस इनके खिलाफ हमने एक एक करके कार्रवाई की है। जैसे कि रेरकला गांव है पानीपत का, रेरकला गांव में 1.87 करोड़ रुपए का गबन करके जो कुछ लोग फरार हो रखे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई ना चलने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश किया कि उसे स्पेशल टीम गठित करके एक तो उसकी गिरफ्तारी का अमल लाने के निर्देश सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए गए हैं। इसी तरीके से फर्जी कागजों से पंचायती फंड मेवात में 1.60 करोड़ रुपया निकालने के बारे में तत्कालीन बीडीओ श्री अमित कुमार और उनके साथ जो पंचायत सेक्रेटरी कंसर्न थे उनको तुरंत रूप से सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित किए हैं। इसके अलावा यमुनानगर के एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब बातचीत होने लगी तो नोडल ऑफिसर जो हमारे डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के श्री ऋषि डांगी वो बैठक में पूरी तरह से अलर्ट नहीं थे, तैयारी करके नहीं आए थे। इस बात का कड़ा संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको तुरंत रूप से निलंबित करने के आदेश दिए और इस बात का बड़ा क्लियर मैसेज है कि जितने भी अधिकारी प्रशासनिक बैठकों में आते हैं पूरी तैयारी से आए, पूरे तथ्यों को पढ़ के आए। कोई भी अधिकारी जो बैठकों में गैर जिम्मेवार तरीके से आता है उसके लिए एक संदेश है कि ऐसे अधिकारियों को बैठकों के अंदर ही निलंबित किया जाएगा और इसके अलावा ऐसे अधिकारियों पर आगामी कार्रवाई ये की जाएगी कि उनको बैठकों से बाहर किया जाएगा। इसी तरीके से महेंद्रगढ़ में नारनौल में PWT की जमीन पर अवैध रूप से एक मॉल का निर्माण हुआ था, तत्कालीन जिन अधिकारियों के नाक के नीचे ये मॉल का निर्माण हुआ और जिन्होंने मॉल को समय रहते बनने से नहीं रोका, ऐसी कार्रवाई के चलते हुए उस टाइम EO रहे श्री BN भारती और उनके साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर रहे श्री भीम सिंह, दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और निलंबन के आदेश जो है वो पारित किए गए हैं। दोनों को इसमें भीम सिंह जी को सस्पेंड करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसी तरीके से करनाल में एक रोचक मामला आया जहां पर सहकारिता विभाग के एक इंस्पेक्टर श्री अमित कुमार अपने रिश्तेदारों के माध्यम से एक फर्जी सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई थी और सरकारी लोगोज का और सरकारी स्टेशनरी का एक दुरुपयोग करके
ये लोगों को झांसा दे रहे थे, लोगों को ठगने का एक प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसमें संलिप्तता पाई गई श्री अमित कुमार की। इस रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रूप से आदेश दिए हैं कि अमित कुमार जी को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ और जो उनके साथ ये सारे फर्जीवाड़े में साथी जो उनके रिश्तेदार थे उनके खिलाफ प्राथमिकी भी यानी एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए गए हैं। इसी तरह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों पर नायब तहसीलदार बने थे श्री शिवराज सिंह और इस टाइम पोस्टेड थे पंचकुला में तो लैंड कंसोलिडेशन ऑफिस में, उनको भी तुरंत प्रभाव से क्योंकि फर्जी दस्तावेज उनकी भर्ती के थे निलंबित करके उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने पारित किए हैं। पहली एफआईआर उनके फर्जी दस्तावेज क्योंकि वो पटवारी भी नहीं थे और नायब तहसीलदार फर्जी कागजों का इस्तेमाल करके वो बन गए, पहली एफआईआर इस संदर्भ में दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। दूसरी एफआईआर एक उन्हीं के दौरान एक अंडर एक्विजिशन एक्वायर्ड लैंड जो जमीन सरकारी हो चुकी थी उसके सेल के लिए उन्होंने एनओसी जारी कर दिया था फर्जी दस्तावेज तैयार करके, तो जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके एनओसी जारी किया गया उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज कराने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से पारित किए हैं। इसी तरीके से कार्रवाई में चलते हुए एक अन्य मामले में महेंद्रगढ़ जिले के कनीनिया कस्बे में स्ट्रीट लाइट्स और जो पोल की खरीद का जो स्ट्रीट लाइट्स के पोल होते हैं पोल की खरीद के मामले में अनियमितताओं के चलते तत्कालीन नगर पालिका सचिव श्री ज्योताश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है अनुशासन की करने के लिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इसी तरीके से चरखी दादरी जिला के खंड बौंद के बीडीओ हैं श्री सुभाष शर्मा, उन्होंने समय से जो जवाब नहीं दिया या जो भी उनके पास शिकायत गई निराकरण के लिए करप्शन की शिकायत थी जो समय से जवाब नहीं दिया उसमें ढिलाई बरतने की वजह से उनको भी उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक आदेश दिए हैं। एक बहुत ही बड़े मामले में संज्ञान लेते हुए जिला गुरुग्राम में सहकारिता विभाग के अधिकारियों में उन्होंने मिलीभगत करके एक सरकारी भूमि 40,000 वर्ग गज भूमि किसी बिल्डर को कब्जा करवा दिया था और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दी थी और उस पर कोई कार्रवाई समय रहते नहीं हुई, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार श्री सतीश रोहिला और ऋषि कुमार जो एआरसीएस दोनों कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट के हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के और डिसिप्लिनरी एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेने के आदेश भी किए हैं। इसी तरीके से डबवाली जिला सिरसा, डबवाली में गांव अलीका के पैक्स में 1,10,00,000 रुपए गबन करके फरार चल रहे अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल टीम का गठित करने के जो आदेश है माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं ताकि इन लोगों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सके और इस जांच को आगे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से एक अच्छी तरीके से कराया जा सके। एक अन्य मामले में रोहतक में पानी के हौद को स्विमिंग पूल बता के और उसके खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई एक गलत तरीके से अमल में लाई गई, उसका एक वीडियो शिकायतकर्ता ने मीटिंग में पेश होकर हमारे को दिखाया, उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए हमने डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है डीटीपी रोहतक श्री मनदीप सिहाग के खिलाफ उसमें एक्शन लेने के लिए डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरीके से गुरुग्राम के एक मामले में प्रॉपर्टी डीलर को गलत तरीके से 8 करोड़ रुपए का कैलकुलेशन में हेरफेर करके और मदद पहुंचाने के एवज में श्री भारत भूषण गोगिया जो तत्कालीन एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी गुरुग्राम थे उनको अंडर रूल 7 चार्जशीट करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जो जांच अमल में लाने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए। आज मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर डॉक्टर राकेश गुप्ता और मैंने सोशल मीडिया के जो जितने मामले लंबित थे उनकी भी समीक्षा की। सबसे पहला संदेश तो माननीय मुख्यमंत्री का ये कि सोशल मीडिया पे जितने भी मामले विशेषकर जो भ्रष्टाचार के या सरकारी काम के आ रहे हैं उनमें कोई भी ढिलाई कोताही किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे एक मामला एक मुख्यमंत्री के ट्विटर पे आया जिसमें कि पंचकुला में घग्गर पार एरिया में कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए का घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का एक मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया। उसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज तुरंत आदेश दिए कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इस मामले की जो जांच
टाइम बाउंड मैनर में की जाएगी और जिसके चलते विभागीय कार्रवाई करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने दो कार्यकारी अभियंता श्री अशोक राणा और आदित्य शर्मा, दो SDO श्री राजेश खुराना और MP शर्मा, दो इसमें JEE हैं पूरन चंद और सुभाष चंद और एक रिटायर्ड एक्सीन है भूपेंद्र पाल और एक रिटायर्ड SDO है सुनील जैन, इनके ऊपर ये जो करोड़ों रुपए का चूना लगाया है और सोशल मीडिया पे हमें जैसे खबर मिली है इनके जो विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ही देख के तुरंत रूप से कर दिया है। एक आज की मीटिंग का जो मुख्य बिंदु रहा कि कोरोना काल के चलते हमारी जो शिकायतें हैं शायद लोग जाने में कामयाब नहीं थे उसमें कुछ कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आने वाले समय में लोगों को जागरूक किया जाए कि जो मामले जिस कदर पहले रोजाना 1000-1200 आदमी जो मैटर हमारे संज्ञान में आ रहे थे जो अब कोरोना काल में काफी कम हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि उसको बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लें, जहां भी सरकार के काम में कोई कमी नजर आती है हमें सूचित करें ताकि उस पर जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जा सके।